नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीय। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को ये कहते हुए सुना है कि मैं मरीज का इलाज नहीं करूंगी? नहीं ना, क्योंकि अगर डॉक्टर ऐसा कहेगा कि उसे मरीज का इलाज नहीं करना है तो बेचारे मरीजों का क्या होगा। लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही डॉक्टर के बारे में जो कि गुजरात के एक अस्पताल में डॉक्टर है और उन्हें अस्पताल प्रबंधन द्वारा 5 दिन के लिए इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उस महिला डॉक्टर ने ये कहा था कि मैं गुजरातियों का इलाज नहीं करूंगी। महिला डॉक्टर की शिकायत की गई और अस्पताल प्रशासन द्वारा महिला डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। गुजरात के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर को 5 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात के मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। वीडियो वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर स्मिता तिवारी कह रही हैं कि वो सिर्फ बिहार और यूपी से आए लोगों का इलाज करेंगी। वीना बहन जब अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची तो पहले उन्हें कमरे के बाहर इंतजार करवाया गया। फिर जब वो अंदर पहुंची तो डॉक्टर स्मिता लगातार फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने जिद की तो झल्लाकर बोली, मैं यहाँ गुजरातियों की सेवा करने नहीं आई हूँ। तुम लोगों ने कुछ दिन पहले मुझे और मेरे पिता को बेइज्जत किया है। मैं भूली नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगी। नवसारी जिले के अस्पताल में पिछले साल स्मिता की पोस्टिंग बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हुई थी। इलाज वाला मामला तूल पकड़ने के बाद जब नगरपालिका के लोग पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें भी खूब सुनाई। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि मैं कुछ महिलाओं को लेकर गया था, वहां डॉक्टर ने बदतमीजी की है। सीएमओ से शिकायत की गई है, उसके बाद कार्रवाई हुई है। अस्पताल के इंचार्ज एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर कंचल ने कहा कि हाँ, डॉक्टर स्मिता ने ये बात कही है। दूसरे डॉक्टरों ने उनके बर्ताव और काम पर नहीं आने की शिकायत भी की है। डॉक्टर स्मिता इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रही हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.